हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने आपके दोस्त। बात क्या है कि इमेज रनर कैनन का जो कॉपियर है, इमेज रनर की तो आप लोगों को मालूम मतलब पता ही है कि बहुत सारे मॉडल हैं। उनमें से खास करके आजकल जो चलते हैं IR2006 या 2006N, और उससे पहले जो चलते थे 2002 या 2004 इमेज रनर, उन सभी में एक ही चीज़ कॉमन रहते हैं, वो है फ्यूज़र सेक्शन या फ्यूज़र यूनिट। और फ्यूज़र यूनिट के अंदर खास करके फ्यूज़र सेक्शन में मतलब फ्यूज़र फिल्म रहते हैं या फ्यूज़र उसमें राबर रोलर प्रेशर रोलर रहते हैं, बुशिंग वगैरह रहते हैं, उन सबको मिला के ही फ्यूज़र यूनिट बोलते हैं। बात क्या है कि मेरा आप लोग जो भी मेरा इस चैनल का पहले से ही व्यूअर्स है, मतलब स्टार्टिंग से है, तो मेरे ओल्डेस्ट वीडियो में शायद आप लोगों को याद ही होगा कि मैं कैनन का IR2002 के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। एक लंबा डिटेल्स में एक वीडियो है ऑलरेडी, द हाउ टू रिप्लेस फ्यूज़र फिल्म मतलब टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को कैसे चेंज करते हैं, उसका बहुत ही लंबा और डिटेल्स में ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हो। ओल्डेस्ट वीडियो के लिस्ट में आप लोगों को मिलेगा। अगर कोई भी आज तक नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, खास करके कैनन के यूज़र, वो खुद ही मतलब अपने प्रॉब्लम को क्या क्या प्रॉब्लम होता है सब वगैरह मैं ऑलरेडी डिटेल्स दे चुका हूँ। उसके ऊपर ही आज छोटा सा बात करने के लिए मतलब उसी टॉपिक को लेके थोड़ा इन्फॉर्मेशन यही दे रहा हूँ, देख लीजिए। इससे ये है मेरा, एक्चुअली मेरा पास ये है हीटर असेंबली, मतलब आपका ये है कनेक्टर, यह पावर मतलब हीटर को पावर के ओर से, और यह सब मतलब इसका बाकी फंक्शन की ओर से ये कनेक्टर वगैरह है। तो बात क्या है, इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है कि आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि पेपर जाम का जो इशू होते हैं नया या रनिंग मशीन में, पेपर जाम का इशू का कई वजह है, और ये सब मैं ऑलरेडी डिटेल दे चुका हूँ उस वीडियो में, फिर भी मैं आज बता रहा हूँ कि ये है फ्यूज़र फिल्म, इसे फ्यूज़र फिल्म बोलते हैं, एक टेफ्लॉन की टेफ्लॉन भी बोलते हैं इसे। एक पेपर जैसा रहता है देखिए, और क्या होता है ये यूज़ होते, इसके ऊपर ही पेपर पास होता है। ये सब आज मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ऑलरेडी उस वीडियो में है, अगर कोई भी दोस्त इंटरेस्टेड है तो उसे प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार, आप लोगों का काम का ही है। और वही बता रहा हूँ कि ये देखिए, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, इस तरफ जैसे बॉर्डर है इस तरफ थोड़ा बहुत टूटा फूटा है या कुछ स्पेस खाली है, मतलब और थोड़ा लंबा था 1 इंच से थोड़ा कम। तो क्या होता है रन मतलब ये चलते चलते रन होते होते ये कभी कभी पेपर जाम होता है, तो कोई मतलब नया यूज़र या अननोन जो भी हो मतलब नॉलेज के कमी के कारण क्या करते हैं, पेपर को ज़ोर से खींच करके बाहर लेने के वजह से धीरे धीरे यह छेद होता है या टूटने का थोड़ा बहुत टूट जाता है, इसे वहाँ से शुरू होता है आपका ये प्रॉब्लम। पहले तो एक दिन में ही इतना टूटा नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा करके यहाँ तक आके पहुँचा है। और एक बात है, और उससे पहले मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर मेरे चैनल में जो भी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात थोड़ा आप लोग भी नोटिस कीजिएगा, कमेंट में कई लोग मुझे बोलते हैं मेरा वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं है, ऑडियो का क्वालिटी ठीक नहीं है, तो मैं एक बात एक्चुअली क्लियर कर देता हूँ आप सभी को कि मेरा जितना भी कंटेंट आप लोगों ने आज तक देखा है, इन सभी का मतलब 90% वीडियो मैंने खुद ही शूट किया और प्रैक्टिकल भी किया, कंटेंट का ऊपर मतलब जितना भी आप लोगों को दिखाया प्रैक्टिकल भी मैं ही हूँ और कैमरामैन भी मैं ही हूँ। और उसके साथ साथ ये भी बोलता हूँ कि मैं आज तक ये वीडियो रिकॉर्डिंग के मतलब रिकॉर्डिंग के सपोर्ट के लिए कोई भी माइक या कुछ भी यूज़ नहीं किया आज तक। आज भी जो आप लोग मेरा वॉइस सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, ये बिल्कुल मैं मतलब विदाउट माइक ये रिकॉर्ड हो रहा है, या हो जितने भी हो चुके हैं पहले भी थे।
और दूसरा बात है, ये कोई मेरा खास ऐसा कुछ इतना स्टैंडर्ड भी मोबाइल नहीं है, एक सिंपल मोबाइल है। सो जो भी हो, क्वालिटी के इश्यू पे ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग सिर्फ यही देखिए कि आपका काम का ये वीडियो है या नहीं। अगर काम का हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ अगर आप लोग समझे कि ये शेयर करने के लायक है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आखिर में यही बोलता हूँ, इसके जो जो प्रॉब्लम है ये सब तो ऑलरेडी उस वीडियो में है। आज यही बता रहा हूँ कि ऐसे ही हार्ड हो जाता है ग्रीस की कमी के वजह से और सूखने के वजह से, ये दोनों की वजह से, और खास करके फट जाने की वजह से फ्यूचर फिल्म को चेंज करना पड़ता है। सो गाइस, इतना ही था आज के लिए। अगर वीडियो को या इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप लोग हेल्पफुल समझे तो प्लीज़ आगे तक शेयर कीजिएगा, और चैनल में मतलब जो भी नए हैं तो इस चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी एक्चुअली बात क्या है कि एक टेक्नीशियन होने के नाते एक्चुअली हमारे मुंह से मतलब हमारे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये खुद मेरा बात नहीं, जितने भी टेक्नीशियन हैं उनमें से शायद दो चार है एक्सपर्ट है या जो भी है, हम लोगों को एक्चुअली मुंह से ज़्यादा हाथ चलते हैं, स्क्रू ड्राइवर से या जो भी हो टूल्स वगैरह से के थ्रू चलते हैं। तो वीडियो को एक्चुअली ध्यान पे रखिएगा, हेल्पफुल है या नहीं उसके ऊपर आप लोगों के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है। और बाकी सब बाकी जितने भी जो भी हो वो सब इग्नोर करते जाइएगा, और आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू।